देख लिया, बस यही आदत ना मुझे बाबूजी की एकदम अच्छी नहीं लगती। अरे प्रॉब्लम क्या है, हम बैलगाड़ी में भी तो घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला गाड़ी वालों को कि शिरडी के बाहर ही उतार दो। अरे उम्र हो गई है यार, उनको रास्ता मालूम नहीं होता है। अच्छा माना माना कि चलने की आदत सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन ऐसे ही दिशाहीन चलते रहे तो घर की जगह कहीं और पहुंच जाएंगे। उसके ऊपर आप सबको तो बहुत भूख भी लगी होगी, अगर मैं टाइम पे पहुंच जाती ना तो एटलीस्ट कुछ बना सकती, लेकिन अब तो एक काम क्यों नहीं करते, हम जाते वक्त रास्ते से कुछ मिठाई खरीद लेते हैं। अरे इतने टाइम बाद जा रहे हैं बैठ जगह के घर, इसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, आप बाबूजी को बोलिए तब तक मैं तालाब से पीने का पानी ले आती हूँ, ठीक है?